न्यूज इंडो नेपाल टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त प्रदेश व देशवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह वर्ष ढेर सारी खुशी लेकर आए, अपने परिवार के लिए और पूरे देश के लिए, समाज के लिए खुशियों की लहर चले, ये मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डिडीहाट आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर 40 वर्षीय रंजीत रावत का आकस्मिक निधन हो गया। वह मूल रूप से डिडीहाट के जीआईसी वार्ड के रहने वाले थे। 31 दिसंबर को उनकी अचानक तबियत खराब हो गई। उन्हें इमरजेंसी में पिथौरागढ़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों में शोक की लहर है। जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना सनवाल सहित जिले के तमाम डॉक्टर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। नव वर्ष के पहले दिन मंदिरों में खासी भीड़ भाड़ रही। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। शिव मंदिर, घंटाकरण, कामाख्या, उल्का देवी, वरदानी मंदिर में दिन भर भीड़ लगी रही। महिलाओं में नव वर्ष को लेकर विशेष उत्साह दिखा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के टकाना स्थित रामलीला मैदान में सोमवार को जिला होमगार्ड्स का द्रुत ऐप लॉन्च किया गया। इस दौरान होमगार्ड के अधिकारियों ने जवानों को विभाग द्वारा लॉन्च किए गए द्रुत ऐप के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में द्रुत ऐप में पैनिक बटन दबाने से नजदीकी होमगार्ड मदद के लिए पहुंच जाएगा। अधिकारियों द्वारा सभी होमगार्ड्स को भी ऐप के जरिए आने वाली कॉल के लिए तैयार रहने को कहा। नव वर्ष 2024 की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नूतन वर्ष मंगलमय हो। सभी लोग सपरिवार स्वस्थ, सुखी व संपन्न रहें। राजा क्लब मुआनी द्वारा आयोजित स्वर्गीय पदम बहादुर चंद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का कर्नल मोहन चंद रजवार मैदान में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गुड्डू धामी ने किया। उद्घाटन मैच में टॉस जीतकर बोरा क्लब बगोरा ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले खेलने उतरी टीम गोबराड़ी ने 10 ओवर में 101 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी बगोरा की टीम ने 10 गेंद रहते हुए लक्ष्य को 5 विकेट से अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच ललित बोरा रहे। इस मौके पर क्षेत्र के खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान नववर्ष आगमन के जश्न में शराब के नशे में मदहोश होकर वाहन चलाने वाले 7 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष कनाली चीना और जाजर देवल ने भी 2 चालकों को गिरफ्तार किया। साथ ही वाहन सीज किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 64 लोगों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई और 12 वाहन सीज किए गए। सार्वजनिक स्थान में शराब पीने तथा मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 60 लोगों का पुलिस अधिनियम में तथा 7 लोगों का कोटपा में चालान किया गया। पिथौरागढ़ के घुंसेरा गांव, सात सिलिंग और जीबी के लोगों ने असुरचुला चोटी पर मंदिर के थान में विधि विधान के साथ पूजा कर हवन यज्ञ किया। बाबा असुर को बारिश का देवता माना जाता है। पंडित चंद्र बल्लव जोशी ने पूजा पाठ संपन्न कराया। मणपति पूर्व सूबेदार मेजर भगवान सिंह खड़ायत ने बताया कि क्षेत्र में काफी समय से बारिश नहीं हुई है, इसके निदान के लिए हवन यज्ञ कराया गया। इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जीआईसी रोड सेवा समिति की ओर से जागेश्वर धाम धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। साल के अंत के दिन 48 सदस्य दल जागेश्वर पहुंचा, इसमें 22 महिलाएं भी शामिल रही। दल को संस्थापक सदस्य बीडी पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदिर में सामूहिक पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। दल में 80 वर्षीय रमेश चंद्र पुनेठा, चंद्र सिंह खंपा भी शामिल रहे। समिति के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को नोटिस दिया। सिलपाटा निवासी किरण कुमार ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर इन्वेस्ट करने के नाम पर घर बैठे रुपए कमाने का लालच देकर 3,66,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर दी। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से ठगी करने वाले आरोपियों को सीआरपीसी का नोटिस दिया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।